हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान आईएएस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर के में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके क्या क्या अवयव होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और ये लेक्चर पार्ट वन है लेक्चर का, जिसके अंदर आज हम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू देखते रहे फ्रेंड्स वीडियो। आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा अपन को। जीडीपी क्या होती है, कैसे होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सीडीएस के अंदर 2017 में पूछा गया था। इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। सीडीएस में यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट में करें। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया 2018 के अंदर। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों जीडीपी से रिलेटेड हैं, जीएनपी से रिलेटेड हैं, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड है फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन टॉपिक से रिलेटेड। अब देखते हैं अपन नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, किसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक किसी भी देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम मनी की टर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि मनी का मतलब ये होगा कि इंडिया के अंदर रुपीज में कैलकुलेट की जाती है, यूएसए में डॉलर में होता है, तो हर कंट्री की अलग अलग होता है, चाइना में रेनमेन में होता है, वो हर कंट्री की जो मनी करेंसी होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनेंशियल ईयर के बारे में, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है, और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम का यूज क्या होता है, कहाँ यूज कर सकते हैं अपन नेशनल इनकम को, क्यों कैलकुलेट करते हैं, ऐसा क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है जो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतना इंपॉर्टेंस किस बेसिस पे करते हैं, कौन करता है, वो भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूज क्या है कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हम देखते हैं ना कि जीडीपी इतनी ग्रोथ पे चल रही है, इतनी कम हो रही है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम को बेसिस बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जीडीपी के लिए फिर मेक इंटरनेशनल कंपैरिजन, यानी कि जैसे कि चाइना की जीडीपी की ग्रोथ इतनी हो रही है, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ इतनी हो रही है, उसके कंपैरिजन के लिए भी हम देखते हैं, और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कंपेयर करती है कि कौन से देश की जीडीपी कितनी हो रही है, कौन से देश की जीडीपी कम हो रही है, बढ़ रही है। और फिर हम बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे कि पॉवर्टी से रिलेटेड कोई पॉलिसी लानी है, तो वो नेशनल इनकम के हिसाब से कि किस आदमी की कितनी इनकम है, जिसके अंदर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन सब बेसिस पे हम एक तो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी अपने देश के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है उनका बेस बना सकते हैं, या उनके बेसिस बेस के बारे में ध्यान कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मेजर या फिर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, मेजर या एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम जो चार होते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी फ्रेंड्स, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को एस्टीमेट कौन करता है। नेशनल इनकम को एस्टीमेट सीएसओ करता था 1951 से, लेकिन पहली बार सीएसओ ने 1956 के अंदर रिलीज किया था डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, और फिर उसके बाद एनएसएसओ बनाया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 1970 के अंदर, उसके बाद एनएसएसओ करने लग गया, और उसके बाद में अभी 2019 के अंदर लेटेस्ट एनएसओ बनाया है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, एनएसओ ऑफिस का के अंदर किस किस को मर्ज किया गया है, या फिर एनएसओ ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है एनएसओ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है उसका नाम, और ये 2019 में बनाया गया है, जिसके अंदर सीएसओ और एनएसओ को एनएसएसओ को मिला दिया है। अब इनके काम देख लेते हैं। सीएसओ क्या करता था, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता था और इन्फ्लेशन के बारे में बताता है फ्रेंड्स, और एनएसएसओ क्या करता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्प्लॉयमेंट, इनके बारे में डाटा कैलकुलेट करते थे, जिससे कि
जनता को भी पता चले कि कौन सी चीज क्या हो रही है, तो एक गोरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गोरेंट के द्वारा ही क्रिएट की जाती है फ्रेंड्स। और एनएसओ है जो सीएसओ और एनएसएसओ दोनों करता था, वो काम अब एनएसओ करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। जैसा कि अभी बताया था, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के अवयव। फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या हो सकता है, फैक्टर नेशनल इनकम के लिए लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है फ्रेंड्स। कैपिटल वो चीज होती है जो जिसके अंदर जो हमें इनकम जनरेट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। पर्सनल यूज वाली कैपिटल नेशनल इनकम के नहीं आती है फ्रेंड्स। जो भी कैपिटल अपने पास होगा, जैसे कि अपने पास टेम्पू है, वो टेम्पू यदि अपन को इनकम जनरेट करता है तो वो अपने लिए कैपिटल में आएगा, एसेट में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि पहले जीडीपी और एनडीपी ऐसे पढ़ना है कि फ्रेंड्स जीडीपी और एनडीपी को साथ में और जीएनपी और एनएनपी को साथ में पढ़ना है। उससे क्या है कि दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ताकि कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो हमें डिफरेंस के बारे में पता रहे। जीडीपी देखते हैं क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर इन अ कंट्री, ठीक है, विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री विद इन अ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने बताया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। और इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ये होता है कि जैसे कि किसान होता है, उसके लिए गेहूं क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही गेहूं जब किसी बिस्किट इंडस्ट्री में जाएगा तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। तो वहां से जब फाइनल गुड्स निकलेगी, जैसे बिस्किट निकला, तो उसकी प्राइस होगी ना, वो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट की जाएगी, ना कि उसने गेहूं खरीद के बनाया। जैसे कि बिस्किट इंडस्ट्री वाले ने गेहूं खरीदा और गेहूं से उसने बनाया, तो उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं जीडीपी जीएनपी, क्योंकि मतलब किसान के लिए फाइनल प्रोडक्ट ऐसे हुआ कि गेहूं, जैसे किसान ने क्या किया कि मार्केट में बेचा नहीं और खुद के लिए खाने के लिए जो काम कंजप्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए काम में लिया, वो भी उसके अंदर आएगा जीडीपी में। अब देखते हैं जीडीपी और एनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इनसे मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जीडीपी एनडीपी को एक साथ में रखना होता है और जीएनपी और एनएनपी को एक साथ में रखना होता है। जीडीपी में देखते हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादनकर्ता कौन कौन सा होता है, कौन कौन हो सकते हैं जीडीपी एनडीपी में। सिटीजन होते हैं, रेजिडेंट होते हैं, नॉन सिटीजन होते हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उनकी बाउंड्री देख लेते हैं कि बाउंड्री कहाँ कहाँ हो सकती है। तो उत्पादन की सीमाएं कहाँ कहाँ होती है, विद इन अ टेरिटरी ऑफ कंट्री, मतलब ये है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी आपके प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम जीडीपी एनडीपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि विजय माल्या है, विजय माल्या जाके यूके के अंदर कोई कंपनी खोल लेता है और इंडिया का है, उसकी पास सिटीजनशिप इंडिया की है, तो वो इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगी। लेकिन बाहर से विदेश से एफडीआई आई और एफआईआई होती है, ठीक है, वो आती है, तो उनके माध्यम से भी इंडिया के अंदर जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो, तो वो इंडिया की जीडीपी में आएगा, क्योंकि इंडिया की एक भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए उनका, प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, जीडीपी और एनडीपी के अंदर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उस अगले आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म्स है। जैसे फैक्टर कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस, यानी कि अपन को जो मार्केट प्राइस में मिलती है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, तो आती है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कंपनी को कितने रुपए के अंदर, कितने रुपए में वो उसकी कॉस्ट में मिला है, कि वो कितने रुपए की कॉस्ट, कितना महंगा उसने प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी किसी भी चीज पे लगेगा, तो उस टैक्स को क्या कहते हैं, उस टैक्स में से क्या कि सरकार सब्सिडी देती है उनको, कंपनीज को अलग अलग, जैसे फर्टिलाइजर के कंपनियों को फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है, यूरिया सब्सिडी देती है, गैस में सब्सिडी देती है, तो उन पे टैक्स लगने के बाद सब्सिडी माइनस करते हैं, तो उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जीडीपी एक एमपी यानी मार्केट प्राइस, तो उसमें क्या होता है कि
क्वांटिटी होती है उससे प्राइस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उनसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगी। और जब हम क्वांटिटी को कोस्ट, यानी कि हमें जिस कोस्ट में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उस कोस्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं जीडीपी और एनडीपी में अंतर क्या है। जीडीपी में क्या होता है कि कोई भी चीज बनी, सब चीजें फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसकी वैल्यू को मनी की टर्म में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनडीपी में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि नेट निकालना है तो क्या होगा, ग्रोस में तो क्या होता है कि टोटल इंक्लूड होता है, नेट में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना जिस चीज की वैल्यू, जैसे कि अपन एक बैग लेके आते हैं, जैसे कि यूरिया का कट्टा लेके आते हैं, यूरिया के कट्टे के अंदर क्या होता है कि उस पर नेट ग्रोस वेट भी लिखा होता है, नेट वेट भी लिखा होता है। तो उसका मतलब ये है कि ग्रोस वेट यानी ये हुआ कि कट्टे कट्टा है ना, उस कट्टे के कट्टा का और उसके अंदर जो मटेरियल है यूरिया खाद उसका भी इंक्लूड होता है वेट। और जब नेट होता ना, नेट वेट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो कट्टे के वेट को बाहर निकाल देते हैं और खाली उसके अंदर यूरिया कितना है उस वेट को इंक्लूड करते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन यानी कि कट्टे का कोई मतलब नहीं रहा, उसकी वैल्यू में जब उसके वेट में कमी आएगी, अपन ओरिजिनल वेट लेंगे तो उसके वेट की कमी आएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन होता फॉर इनकम जनरेट गुड्स एंड नॉट फॉर पर्सनल गुड्स, मतलब जो भी गुड्स होगी इनकम जनरेट करेगी उसके लिए डेप्रिसिएशन होता है, पर्सनल गुड्स के लिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। अब हम देखते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हर कंट्री कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती है, वापस उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हर कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे डिपेंड होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि इंडिया की कोई कंपनी है या फिर भारत सरकार है, उसने क्या है कि सरकार ने 5 लाख की सर्विसेज एक्सपोर्ट की यूके को और वहां से 3 लाख की सर्विसेज इम्पोर्ट करवा ली, तो उसमें क्या होगा कि NFIA क्या हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 लाख NFIA होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का दूसरा पार्ट, उसके अंदर GNP और NNP को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन सेम होगी, बस इतना सा होगा कि बाउंड्री चेंज हो जाएगी और प्रोड्यूसर चेंज हो जाएंगे। उसमें प्रोड्यूसर क्या थे कि सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स सभी थे, इसके अंदर बाउंड्री क्या है कि चेंज हो जाएगी। उसमें बाउंड्री थी इंटरनल बाउंड्री या इंटरनल टेरिटरी ऑफ कंट्री, इसमें क्या है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टेरिटरी आ जाएगी। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए ईयर एंड विद इन ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ कंट्री, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इसमें सिटीजन हो जाएंगे लेकिन बाउंड्री दोनों चेंज हो जाएगी। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी की होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हम देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, जीएनपी बराबर होता है एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन और एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जैसा कि जीडीपी बराबर देखा था अपन ने एनएनपी एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन और एनडीपी बराबर होता था जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इनके बारे में रिलेशन देख लेते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं और हर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा इस यदि ये डायग्राम याद है तो अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें दो पेयर लिए हुए, चारों जो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है उनके दो पेयर लिए हुए, एक पेयर शो करता है मार्केट प्राइस को एमपी को, दूसरा पेयर शो करता है फैक्टर कॉस्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। अब मार्केट प्राइस को और फैक्टर कॉस्ट के बारे में पहले बता दिया, मार्केट प्राइस यानी कि जो मार्केट में प्राइस आ रही है उसको होता है, और फैक्टर कॉस्ट होता है कि कंपनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है तो उस प्रोडक्ट पे उसको कितनी लागत आ रही है जो इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इनके रिलेशन के बारे में, ये है जीएनपी मार्केट प्राइस, इसके नीचे है जीडीपी मार्केट प्राइस, इधर है एनएनपी मार्केट प्राइस, इधर है एनडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चारों पेयर होते हैं, इस सेम पेयर में इसी सेम साइज में सेम डिजाइन में दूसरा पेयर एक और बना लेते हैं जो हो जाएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये है फैक्टर कॉस्ट के लिए। अब हम देखते हैं जब हम जीएनपी मार्केट प्राइस से एनडीपी मार्केट प्राइस जाएंगे, ये मतलब ये है कि अपन को ऐसे याद तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन जो ये डायरेक्शन है ना तीर की, इससे अपन याद कर सकते हैं आसानी से कि इधर जाने वाली जो भी एरो होगी वो डेप्रिसिएशन को
शो करेगी, ठीक है, और इधर जाने वाली सभी एरो क्या करेगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शो करेगी। तो हम देखते हैं डेप्रिसिएशन वाली कौन सी, एक ये एरो जाएगी, एक ये एरो जाएगी, एक ये एरो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल चार एरो होती है डेप्रिसिएशन के लिए, एक ये वाली एरो जाएगी, चार चार एरो सभी की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की देखेंगे तो ये वाली नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हो जाएगी, ये वाली नेट इनडायरेक्ट टैक्स की है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, चार हो गई। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें होता है कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसके बारे में भी अपन ने देख लिया अभी, क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, सर्विसेज भी हो सकती है उसमें और गुड्स भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम ऊपर से नीचे की साइड में आएंगे तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये भी चार है, ये भी, ये नेट इनडायरेक्ट, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है फ्रेंड्स, ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि रिलेशनशिप कैसे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। पहले एक बार ये ध्यान करें कि जब हम एरो के डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे कि ये एरो इधर जा रही है तो उसका मतलब होता है कि माइनस करना होता है अपन को, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम एरो की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में, उसका मतलब होता है कि अपन को कोई भी चीज, जो भी अपन को दे रखा है फॉर्मूला या फिर कुछ भी चीज, तो उसको हम प्लस करेंगे, एड करेंगे दोनों को, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। अब हम एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एनएनपीए फैक्टर कॉस्ट, तो उसके अंदर अपन को ऑप्शन दे रखा है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएफआईए और जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं पहले पहले के बारे में, ठीक है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, तो ये हो गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, अपन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस होगा, तो ये तो अपना सही है ऑप्शन, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और जब हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अपन के पास आंसर आएगा 1, 2 और 4 फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, अच्छा लगे तो जरूर देखें। दूसरी जो इस चौहान आईएएस की मैपिंग सीरीज में भी वीडियो डाल रखे हैं वो भी जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।